मम्मी का काम है भैया इसको साफ करना गडेरी को, जिसको हम खोद के निकाल ले हैं। तो दोस्तों अभी कट्टा हमारा धीरे धीरे भरना चालू हो गए हैं, कितने कट्टे होते हैं देखते हैं भाई। और ये देखो भाई भू, और इनमें से कुछ जैसे ये हो गए, ये सग्या हो। तो चलो खोदते हैं, थोड़ा देर और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यूट्यूब से जब आएंगे ना पैसे कहाँ रखेंगे, इनकम टैक्स वाले परेशान करेंगे, इतना पैसा आ कहाँ से रही है। कभी बाबा जी फिर इधर घूमने को जा रही है, कभी उधर जा रही है, मजे ही मजे। फिर तो कुछ इस तरीके से इसका जड़ करना पड़ेगा और फिर इसको गेहूं वाले खेत में फेंकना पड़ेगा। तो हेलो, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। हो चुकी एक और नई दिन की नई शुरुआत एक नए दोपहर के साथ। तो भैया आज का जो ब्लॉग है वो बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि यार सुबह से हलहुल लगाया, अभी फ्री हुए, खाना वाना खाया, फिर चल रहे हैं। और अभी 11:30 बज गए हैं भाई, और धूप भी बहुत तेज लगी है। तो देखते हैं खेत में जाके भैया क्या हाल होते हैं अपने। और अभी हम खेत में जाने का जो कारण है मेन, वो है भैया द किंग ऑफ गडरी गांव। तो इधर गडरी बहुत होती, तो भैया गडरी खोदने जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं कितना होते, क्या होते, छोटे हैं बड़े हैं क्या है, कितने हार्ड होता है खुदाई के दौरान खेत। तो चलो वो तो ऑन फील्ड में जाके ही पता लगेगा। तो फिलहाल चलते हैं सीधे खेत की ओर। और आज का हमारे साथी हैं अपने नीतीश भांजे। तो दोस्तों ये है भाई अपना गडेरी वाला खेत, ये चेक करो यार। अब देखते हैं कितना हार्ड है क्या है, ये तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, ये निकलेगा खुद की। तो ये है, ज़्यादा बड़ा एरिया तो है नहीं, इस बार हमने ये कमी लगाया है देखो इतने एरिया में। नहीं तो यार एक बार 2011-12 में हमने पूरा खेत लगा रखा था, तो इतने ज़्यादा गडेरी बेची, उस समय बहुत सस्ती थी 20 रुपये किलो, तो लगभग 7-8 हज़ार की गडेरी। आज के टाइम पे तो यार लगभग 25-30 हज़ार की गडेरी होती हो। ये चेक करो आप, बड़ी तो नहीं देख रहा हूँ भैया मैं, छोटी है इस बार गडेरी। और जो हमने ये परसों गेहूँ बो रखे थे, ये देखो गेहूँ भी हो गई भाई, गेहूँ ने भी अपना सर ऊपर को दे दिया पृथ्वी के लिए। तो चलो फेंटते हैं इसको फटाफट से, फेंटते कह रहे मैं, खोदते हैं इसको फटाफट से। तो दोस्तों ये देखो यार मम्मी गडरी को कर रही है साफ, क्या ये भी जरूरी है भाई मम्मी। ये देखो यार इस प्रकार से इसको हम खोद रहे हैं, वो देखो नीतीश के हाथ देखो किस प्रकार जा रहे हैं, ऐसे खोदना पड़ेगा और ऐसे फेंकना पड़ेगा। अरे देखो इसमें से मैं बताता हूँ, ये मम्मी ने साफ सूफ करके ये देखो अलग रख दिए हैं। ये है भाई गडेरी एकदम, इस बार छोटी छोटी और की है। और ये है, इसको बोलते हैं हम भू, अरवी आपकी भाषा में। ये देखो ये है दोस्तों भू, ऐसा टेस्टी बनता ही नहीं इसकी सब्जी, या कह दो चखनाई कह दो इसको, बहुत तगड़ा है। तो चलो फिलहाल मम्मी के जो दिमाग की नसें हैं वो बहुत मोटी हो रही है मेरे को देख के, बोला काम नहीं कर रही, तो वीडियो तो बनती रहेगी। फिलहाल एक चक्कर फटाफट चलाते हैं हाथ। तो दोस्तों अभी कट्टा हमारा धीरे धीरे भरना चालू हो गए हैं, कितने कट्टे होते हैं देखते हैं भाई। और ये देखो भाई भू, और इनमें से कुछ जैसे ये हो गए, ये सग्या हो गया, सग्या बोले तो बीज मतलब अरबी का। और ये देखो भांजा हमारा लगा है भाई। तो नीतीश वो देखो पसीना से मुंह क्या हो गया एकदम तर बतर। तो भाई यही इसी को कहते हैं मेहनत, खून पसीने की कमाई ना यही हुई है। हाँ सब तो केवल डायलॉग सुना तो ना पता लग गया खून पसीने की है कमाई क्या होती है। और ये देखो मम्मी कोरियारी है भैया ऐसे भी। हाँ तो मम्मी क्या अनुमान है आपका, कितने कट्टे हो जाएंगे? इधर देखो, हाँ इस बार तो सारी गढ़ेरी मेले वालों को ही है भाई है? वही तो। जिस हिसाब से आज फर्स्ट टाइम नीतीश भांजा भी खोद रहे हो, काफी अच्छा पकड़ लिया है भैया भांजे ने। और अभी 12:30 बज चुके हैं और एकदम धूप भी बहुत कड़क लगी है, बहुत तेज लगी है।
और ये देखो मौसम क्या सुहाना हो रखा है, एकदम खतरनाक। थोड़ा देर बाद पांडव लीला की प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, तो चलेंगे 12:30 तो हो गए, 1:30 बजे तक जाएंगे। एक घंटे में देखते हैं कितना खेत कवर हो पाता है हमसे, तो चलो खोदते हैं फटाफट से। और तो दोस्त यार दोपहर के बज गए हैं, पर पसीना दिख सकता कितना ज़्यादा आ रखा है भाई, क्या करें, आधा से ज़्यादा खेत हो गए हैं। और मम्मी का काम है भैया इसको साफ करना, गढ़ेरी को जिसको हम खोद के निकाल ले हैं, और इसको जो छिलके रख रही है मम्मी वो इस कट्टे में रख रही है, और वो अभी मतलब हमने खोद के निकाले हैं। तो इसमें से ये आधा जो भू है वो यहाँ अलग करेंगे, और जो गढ़ेरी है वो इसमें जाएगी, है ना मम्मी। और एक कंडी एक कट्टा तो हो गया, भू भी वो वहाँ पर रखे हैं। भू इसके बाद इसी खेत में, ये बार ये पुंगड़ में लगोगे या दूसर में लगोगे गढ़ेरी में? तीरा हुआ पुंगड़ में लोगो, नहीं हुआ तीर ना है, वो मेल भी काफ़ी। तो ये है भैया, और ये देखो यार कितना ज़्यादा कचरा हो रखा है। कचरा क्या है, जो इसके ऊपर अरबी के जो पत्ते हैं ये देख रहे हो आप, ये हरे हरे, तो ये इस चीज़ का कबाड़ है ये पूरा। तो इसको भी हटाते हैं उधर रखते हैं, क्योंकि कल इस पर ट्रैक्टर भी चलेगा तो ट्रैक्टर में भी फंस जाएगा ना बहुत ज़्यादा। और अभी तो यार भाई आधा से ज़्यादा रह गया है ये, और बाकी इधर को जिधर को खुदाई हो रखी है इधर को हमने खोद लिया है। नीतीश भी थक के मारे एकदम बेहाल हो गए हैं भैया, फर्स्ट टाइम। हाँ नीतीश, ये फर्स्ट टाइम है क्या? फर्स्ट टाइम नहीं, यहाँ गढ़ेरी पहली बार। बाकी वर्कआउट चलती रहती बोलो है। तो दोस्तों यार देखते हैं, 1 बज गए हैं तो कब तक खोते हैं। 2 बजे से हमें पांडव लीला की ट्रेनिंग के लिए भी जाना है, तो चलो कितना हो पाता है, पूरा तो नहीं हो पाएगा लग रहा है मुझे जहाँ तक। तो चलो इसको साफ करते हैं नीतीश, चलो। आज के हमारे जो कैमरामैन है वो अपने भाड़ के भाई नीतीश रेड्डी। इस तरीके से इसका जड़ करना पड़ेगा और फिर इसको गेहूं वाले खेत में फेंकना पड़ेगा। कैमरा पकड़ मम्मी को बड़ा गुस्सा आ जा रहा है। मम्मी तो खुश नहीं है कि तेरा बेटा YouTube से लाखों रुपए छापेगा कमाएगा है, तू कह रही वीडियो मत बना, क्या सीन है ये? तू मुझे अमीर होता हुआ नहीं देखना चाहती है क्या? क्यों कैमरामैन जी? अरे गढ़ेरी कितने की भेज लूंगा यार, 2,000-3,000-10,000 कभी बाबा जी फिर इधर घूमने को जा रही है, कभी इधर जा रही है, मजे ही मजे फिर तो। ओहो, तो गाइस से मस्ती भी हो गई है, काम भी चलते ही रह रहा है फिलहाल। क्यों पानी पीने जाइएगा, पानी पी ले थोड़ा सी। तो घर पे बना दिया होगा भैया पापा जी ने खाना, थोड़ा और खोदते हैं इसको, वहाँ बच्चा भी परेशान कर रहे होंगे, तो चलो इसके बाद ही होगी। और कल आपको यार जो पांडव लीला की प्रैक्टिस सेशन वाली जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू देखने को मिलेगी। बाकी 26 तारीख से जो कंटिन्यू है पांडव लीला का जो डांस प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, तो ये बहुत लंबी सीरीज होने वाली है। एक आप हमारा मतलब हेल्प क्या है, लाइक सिर्फ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो लाइक पक्का कर देना, और कमेंट में नीचे एक दिल भेज देना, बाकी कुछ नहीं, दिल खुश हो जाता है भाई, गार्डन है। तो चलो फिलहाल खोदते हैं और थोड़ा खेत, उसके बाद दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना हुआ क्या है। तो दोस्तों यार ये जो कुदाल है ना हमारी, इसका जो ये चापर है वो बार बार निकल जा रहा है, ये चेक करो जूम करके दिखा दो ये, और ये इतना तोड़ दिया हमने कि यहाँ से दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई है। जो ये वाली कुदाल तो नहीं, ये दूसरी वाली कुदाल है, इसका ये देखो, ये आज की डेट में जो ये वाला कुदाल है ना, ये भी गढ़ेरी के लिए समर्पित हो गया भैया ये कुदाल। तो चलो थोड़ी देर में टूटी जाएगी लग रहा मुझे,
तो ये चापर हंडना पड़ रहा है। जो कुदाल ये सही है भाई, आजकल जो लोहे के कुदाल आ रहे हो सबसे बेस्ट है और ये नंदी है नहीं। तो समय हो चुका है भैया अभी डेढ़, और थोड़ा और खोदते हैं उसके बाद चलते हैं घर से। और फसल की बात करें तो लगभग मम्मी ने कितने हुए होंगे मम्मी ये, 3 कट्टे हुए, 2 कट्टे और 1 कंडी हो गई। और अभी हिसाब से हमने काम किया उस हिसाब से इतना ही हो रहेगा है ना जी, तो लगभग 6 बोरी मिनिमम मानते हैं, लगभग 5,000 का गीजा बन गया अपना। मेहनत भी लगती है भैया है नहीं, है नीतीश जी बिल्कुल, कैमरामैन हमारे हमारे भाड़े नीतीश सिंह। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप, मेहनत लगती नहीं लगती इनमें? बिल्कुल लगती है मेहनत, तो बिना मेहनत के कुछ। लोग कह रहे भाई तुमने इतने महंगा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 40 रुपये, लोग 50 भी दे रहे हैं तो हम तो 40 ही देंगे। हमने देना क्या, हमको भी पूरा नहीं होता, पर रेट 40 है भैया। ये देखो पसीना, खरीदना है तो संपर्क करें, खरीदना है तो संपर्क करें रज्जू बाबा। इन्हीं लोगों के फोन आ जाते हैं, हमारे हमारा नहीं है भैया सॉरी। जुगाड़ करवा लेंगे आपके लिए कहीं पूरे गांव में। देखो ये पूरी जो सारी है ना, तो ये सारी अरबी की है, गढ़ीरी बोले तो ऊपर अभी लोगों ने खोली है, हमने भी खोली है। तो चलो खोलते हैं थोड़ी देर और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों फाइनली हम ले आए खेत से, इसको ले जा रहे हैं धीरे धीरे घर को, आगे से मैं आ रहा हूँ, पीछे से आ रहा है अपना नीतीश भाजा। तो चलते हैं धीरे धीरे, और सामने से आ गए भाई अपने हत्तू भाई। तो हत्तू भाई कहाँ जा रहे हो अभी? आज तुम्हारे खटी को जा रहे हैं घास लेने, घास लेने जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी वाइफ और हमारी वाइफ गई है, उनने कहा कि घास लेने के लिए आए हो, हम गजरी आएंगे तो तुम। चलो ठीक है, हम तो आ नहीं सकते अभी, नाचना भी है, टाइम हो गया है। हाँ तो चलो चलते हैं, मिलते हैं सीधे घर में।